आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चुनाव आयोग का यह निर्णय भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दोनों ही नेताओं के बयान सामने आने के बाद दिल्ली की सियासत गरमाई हुई थी। दिल्ली में आयोजित भाजपा के एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जब मंच पर भाषण देने पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने मौजूद कार्यकर्ताओं से विवादित नारे लगवाए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को के नारे लगवाए थे। गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को देश के गद्दारों को देश के गद्दारों को। चुनाव आयोग ने इसे सही मानते हुए कार्रवाई की है। वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रचार के दौरान चढ़े सियासी पारे के बीच भाजपा नेता प्रवेश शर्मा का शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को लेकर विवादित बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बन जाएगी तो एक घंटे में शाहीन बाग को खाली करा दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सरकारी जमीन पर बनी मस्जिदों को भी हटाने की बात कही थी। नासिक में राज्य परिवहन निगम की बस और ऑटो रिक्शा के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इसके बाद बस सड़क के किनारे बने कुएं में गिर गई। बस हादसे में घटनास्थल पर ही 26 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 32 लोग बुरी तरह से घायल हैं। राज्य सरकार ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। सरकार ने घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाने की बात भी कही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो रिक्शा दूर तक घसीटता चला गया। यह हादसा मालेगांव देवला रोड पर शाम 4 बजे के आसपास हुआ है। निर्भया केस के चारों दोषी फांसी के फंदे से खुद को दूर रखने के लिए नए पैंतरे आजमा रहे हैं। एक दोषी मुकेश ने राष्ट्रपति द्वारा खारिज की गई दया याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी। इस पर शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति ने जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया है। शीर्ष कोर्ट ने यह कहा सभी रिकॉर्ड राष्ट्रपति भवन में भेजे गए थे, राष्ट्रपति ने सभी जरूरी दस्तावेज देखकर फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें हमारे दखल की जरूरत नहीं है। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 जनवरी को मुकेश की दया याचिका ठुकरा दी थी। इसके बाद बीते शनिवार को मुकेश ने इसकी न्यायिक समीक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर कर दी थी। इस बीच दोषी अक्षय कुमार सिंह द्वारा भी फांसी की सजा के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर दी गई थी। गौरतलब है कि 1 फरवरी को सुबह 6 बजे चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी देने का डेथ वारंट जारी हुआ है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस A.S. बोपन्ना की बेंच द्वारा मंगलवार को मुकेश की याचिका पर सुनवाई की गई थी। इस दौरान दोषी की वकील अंजना प्रकाश ने दया याचिका खारिज किए जाने को लेकर अपना पक्ष रखा था। इसके साथ ही जेल के भीतर मुकेश का यौन उत्पीड़न होने की जानकारी भी कोर्ट के सामने रखी गई थी। वहीं सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा था। निर्भया केस के दोषी पवन, मुकेश, विनय और अक्षय को फांसी देने का डेथ वारंट दूसरी बार जारी हुआ है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पहली बार जब डेथ वारंट जारी किया था उस वक्त चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी देने का कहा गया था, लेकिन कानूनी उलझनों के बाद कोर्ट को फांसी की तारीख आगे बढ़ाते हुए नया डेथ वारंट जारी करना पड़ा था। इसमें 1 फरवरी को फांसी दिया जाना तय है। बीजेपी में शामिल होने के बाद साइना ने कहा कि वे बीजेपी से जुड़कर खुश हैं, जो देश के लिए अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि मोदी से उन्हें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि मोदी जो इतनी मेहनत करते हैं उनके साथ काम करके उन्हें अच्छा लगेगा। साइना ने कहा मोदी ने खेल को काफी बढ़ावा दिया है, खेलो इंडिया शुरू करना उनका अच्छा काम है। और जहां तक कि आप देख सकते हैं नरेंद्र सर ने हमारे जो स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा कर रखा है। खेलो इंडिया जो ऐसा प्रोग्राम है जहां पे काफी हद तक खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी जीते हैं उनको बड़े बड़े एकेडमीज में ज्वाइन होने का मौका मिलता है और अपने नेशनल्स और कंट्री के लिए खेलने के लिए मौका मिलता है। नेवाल नई दिल्ली में बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने उन्हें बीजेपी में ज्वाइन करवाया। इस मौके पर साइना की बहन चंद्रांशु नेहवाल भी मौजूद थी।
उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। साइना से पहले भी कई खिलाड़ी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इनमें पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर, रेसलर योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट जैसे बड़े चेहरे हैं। साइना महिला सिंगल रैंकिंग में 23 मई 2015 को वर्ल्ड नंबर बन चुकी हैं। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अच्छा लग रहा है मुझे आज कि मैं एक ऐसी पार्टी ज्वाइन कर रही हूं जो हमारे कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा कर रही है, और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है नरेंद्र सर से, एंड आई होप कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं अपनी कंट्री के लिए, और मैं पूरी ट्राई करूंगी। एंड आई एम थैंकफुल टू भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने मुझे आज इतना बड़ा ऑनर दिया है, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं अच्छा कर सकूं। थैंक यू। दल बदलू नेता की छाप रखने वाले जिन्होंने अपनी ही पार्टी को धोखा देकर कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी और चर्चा में आ गए थे, हम बात मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी की कर रहे हैं। फिलहाल वे एक नई चर्चा या कह सकते हैं कि एक नई मुसीबत में पड़ गए हैं। नारायण त्रिपाठी ने एक ऐसा बयान दे डाला है जिससे सियासत गर्मा गई है। अब समझने वाली बात यह है कि नारायण त्रिपाठी ने दल बदल कर कांग्रेस का दामन तो नहीं थामा है, फिर भी अपनी पार्टी के विरोध में आखिर बयान क्यों दिया है? ये नारायण त्रिपाठी का सुर्खियों में बने रहने का स्टंट है या फिर वे किसी के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं? कोई उनसे ये सब बुलवा रहा है। अब आपको सुनाते हैं कि नारायण त्रिपाठी बोल क्या रहे हैं। त्रिपाठी कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर देश को नहीं बांटना चाहिए। त्रिपाठी ने कहा, या तो आप संविधान के साथ हैं या विरोध में हैं, और यदि संविधान के हिसाब से नहीं चलना है तो फाड़ कर फेंक देना चाहिए। मैं गांव से आता हूं और गांव में आज आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं तो बाकी कागज कहां से लाएंगे? वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, उन्होंने कहा कि सीए कानून के कारण गांव में गृह कलेश जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। आज गांव के लोग एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम बंटवारा किया जा रहा है, ये गलत है। खैर, जब उनसे ये जानना चाहा कि आप पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं, तो उस पर नारायण त्रिपाठी ने कहा, ये मेरे दिल की आवाज है। मैं गांव से हूं और गांव की जो तात्कालिक परिस्थितियां देखा हूं उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि या तो हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान का सम्मान करें, उसका पालन करें, या तो उसको फाड़ के फेंक दें। बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान में ये बोला गया है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म के आधार पर बंटवारा संभव नहीं है। इसके बाद भी ये बंटवारा किया जा रहा है, यह दो में से एक बात सिद्ध होती है, या तो आप संविधान के साथ हैं या संविधान के खिलाफ में। दूसरी स्थितियां, आज गांव में आधार कार्ड बनवाने के लिए गांव का गरीब आदमी भटकता रहता, शहर का गरीब आदमी भटकता रहता, जानकारी के अभाव में इतने पेपर इकट्ठा करके ये नागरिकता के कागज बनवाना भी बड़ा संभव काम है। आज हमारे देश में एक तरह से गृह कलह की स्थितियां हो चुकी है, एक दूसरे की तरफ लोग देखना बंद कर दिए हैं। हम गांव में देखें, हमारे गांव के छोटे गांव में मुसलमान रहता है, अभी तक हम लोगों को पंडित जी पाए लागी कहती थी, आज वो देखना भी पसंद नहीं कर रहे। जिस देश में, जिस गाँव में, जिस घर में, जिस मोहल्ले में गृह कलह हो जाएगा, उस घर में, उस प्रदेश में, उस देश में सुख शांति संभव नहीं है। हमारे वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम लोग एकता अखंडता की बात करते हैं और धर्म के नाम पर बंटवारा करेंगे, ये देश नहीं चल पाएगा। इसलिए ये मेरे दिल की जो बात थी, मैं आप लोगों के माध्यम से आज ये बात रख गया। छिंदवाड़ा के परासिया के आंखा बाड़ी में एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें सवार यात्रियों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है हादसा ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ। बस में 45 से 50 लोग सवार थे। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। यात्रियों ने बताया कि एक ट्रक ने बस को टक्कर मारी, जिसकी वजह से ड्राइवर का बस से कंट्रोल खो गया और बस खाई में गिर गई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई और बड़ा हादसा होने से टल गया। करीब तकरीबन 4 बजे की घटना है। अब हम लोग पीछे थे, आगे से ड्राइवर बोल रहा था किसी ट्रक वाले ने मतलब कट मारा है, इस चक्कर में वो गाड़ी कंट्रोलिंग में पलट गई, ऐसा बोल रहा था। 4 लोगों करीब लगा, बाकी 2 लोगों को ज्यादा लगा, उनको वहां ले जाए छिंदवाड़ा रेफर करे। इसमें हरडे है कोई, पिताजी का नाम उनके भोजराम हरडे, लांजी के रहने वाले हो।
सिंगरौली मोरबा में नगर निगम की मीट मंडी के सामने बन रहे निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स के दुकान नंबर 24 में दिहाड़ी मजदूर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ठेकेदार द्वारा आनन फानन में इसकी जानकारी मोरबा पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही मोरबा पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ठेकेदार ने बताया कि मृतक उसके यहाँ मजदूरी का काम करता था, उसका नाम विजय रावत, निवासी डहुआ डोल थाना जियावन है। विजय रावत अपने 3 साथी जोखी ग्राम कोचिला सीधी निवासी रानी सिंह, महेंद्र कुमार सिंह और बुधराज सिंह के साथ निर्माणाधीन कमरे में रहकर मिस्त्री का काम किया करता था। उसे सुबह रानी सिंह ने फोन से सूचित किया, जो मृतक की प्रेमिका है, साथ रहकर मजदूरी का काम करती है। कल रात शराब के नशे में विजय रावत का झगड़ा महेंद्र और बुधराज से हो गया था, जिसमें विजय को काफी चोटें आई थी। पुलिस को घटनास्थल से विजय का शव मिला, लेकिन मौके से रानी फरार हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देश पर मोरबा निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह द्वारा संभावित तीनों आरोपियों की तलाश में टीम रवाना कर दी गई है। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये नगर निगम के ठेकेदार कुंतीलाल साहू जी हैं, उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया है मौके पर। विजय कुमार रावत नाम के उनके पेटी कॉन्ट्रेक्टर यहाँ काम करते थे, अपने 2 अन्य साथी और एक महिला मित्र के साथ यहाँ रहते थे। तो आज सुबह उनको महिला मित्र ने फोन करके बताया कि उनके साथी बुधराज सिंह और महेंद्र कुमार सिंह दोनों गौर समाज से हैं और इन लोगों ने मारपीट करके उनकी हत्या की है, जिस पर मौके पर कार्रवाई की जा रही है। घटना की जानकारी तो पूरी तरीके से सामने है, घटना कोई छुपी हुई नहीं है। तो मैं बुधराज सिंह और महेंद्र कुमार सिंह उनके मित्रों ने उनके साथ मारपीट कर संघातिक चोटें पहुँचाई, जिस कारण से उनकी मौत हुई है और आरोपी गणों की हम तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश में टीम रवाना की गई। ये यहीं पे रहते थे और सुबह हमको जो इसके साथ रखे नवरात रहती थी और सुबह हमको 8:30 बजे फोन थी कि लोग महेंद्र कुमार और बुधराज सिंह मार दिए हैं, तो आइए आप। बोले ठीक है, तुम लेकर के चलो दवाई कराओ, हम आते हैं। तो हम यहाँ आए, तब तक वो ताला वाला भर के उसका यहाँ आए, लेकिन तो मोबाइल स्विच ऑफ है, ताला भर दिया। इसके बाद हम थाने गए, थाने वाले आए तो ताला वाला टूटा, देखे तो बॉडी पड़ी गई, चोट वही सर पे है, कनपटी पे है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी इस वायरस का एक मामला संदिग्ध मिला है। पीड़ित महिला को अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत है। सिंहदेव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से निगरानी रखी जा रही है और बाहर से आने वाले भारतीय नागरिकों के साथ ही टूरिस्टों की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए देश में एकमात्र लेबोरेटरी पुणे में है। इसकी जानकारी भी स्वास्थ्य अमले को देकर सावधानी रखने को कहा गया है। भारत में केंद्र सरकार की ओर से इस जानलेवा बीमारी को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में इस वायरस को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ में भी एहतियात बरती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। सिंहदेव ने कहा है कि जो भी व्यक्ति चाइना जा रहा है, उन्हें सतर्क रहने के लिए जरूरत है। छत्तीसगढ़ में इस वायरस का कोई प्रभाव नहीं है। सिंहदेव ने बताया कि रायपुर की एक महिला चाइना से लौटी है, फिलहाल उन पर वायरस का कोई प्रभाव नहीं है, जांच में पॉजिटिव नहीं पाया गया है, उनमें वायरस के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस भी वर्ल्ड फ्लू जैसा ही एक वायरस है, जो कि जंगली जानवरों से इंसानों में आया है। कोरोना वायरस जैसा हम सब जान रहे हैं, चीन में जो परिस्थिति उपजी है, वहाँ से जो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं टूरिस्ट के रूप में या व्यवसाय के रूप में, तो एहतियात के तौर पे, प्रमुख तौर पे सतर्कता बरती जा रही है, पूरी सतर्कता बरती जा रही है। ये H1N1 जैसा वायरस है, ये भी एक वायरस है, घातक साबित हो सकता है, तो कोई बड़ी चिंता की बात अभी नहीं है। केवल एहतियात बरतने के लिए कि कोई भी, चाहे विदेशी हो, वो बाहर से आए हों, चाहे देश के लोग किसी काम से गए हों, टूरिस्ट के रूप में गए हों या व्यवसाय के रूप में गए हों, तो उनको चेक कर रहे हैं। धमतरी के गंगरेल बांध में नौका विहार करते वक्त नाव पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हो गए, जबकि एक छोटी बच्ची लापता है। ये बेहद दर्दनाक घटना
नारायणपुर इलाके से आए 12 लोगों के साथ हुई। ये लोग गंगरेल बांध के किनारे पहुंचे और वहां रखी मछुआरों की नाव लेकर जल विहार करने लगे। उसी वक्त हवाएं तेज हो गई और नाव के अंदर पानी भरने लगा। नाव में सवार लोग पानी निकाल कर फेंकने लगे, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। इस हादसे में एक 5 वर्षीय बच्ची और एक 17 वर्षीय लड़की की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक 3 साल की बच्ची लापता है। हादसे में 2 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चारामा के सरकारी अस्पताल में चल रहा है, जबकि 7 लोग सही सलामत निकाल लिए गए हैं। घटना की खबर लगते ही धमतरी के अकला डोंगरी थाना की पुलिस रेस्क्यू में लगी हुई है और लापता बच्ची की तलाश लगातार जारी है। कई किलोमीटर के विस्तार में फैले गंगरेल बांध के तटों पर बसे गांव में मछुआरे रहते हैं और अक्सर पर्यटक उनकी नावों को घूमने फिरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बेहद खतरनाक और रिस्की होता है। यह हादसा भी इसी तरह की लापरवाही का नतीजा माना जा रहा है। पुलिस ने अपनी तरफ से अपील की है कि लोग इस तरह का खतरा उठाकर अपनी और अपने परिवार की जान से ना खेले। मृतक परिवार के एक युवक ने जल विहार का एक वीडियो टिकटॉक पर बनाया था, जिसमें पूरा परिवार देखा जा सकता है। कला डोंगरी थाना क्षेत्र की ये घटना है, जिसमें नारायणपुर से आए हुए एक फैमिली थे, जो कि डुबान क्षेत्र में नदी में घूमने के नाम से निकले थे। इस पर 12 लोग जो कि एक नाव में सवार थे, मौसम खराब होने के कारण नाव पलट गई और उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। एक बच्ची जो अभी भी लापता है और अभी तक जिसे प्राप्त नहीं किया जा सका है, और इसके अतिरिक्त एक अन्य 2 लोग जो हैं वो घायल हैं। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ रेप के मामले में सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी के साथ 3 नाबालिग आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के दिन स्कूली छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर घर लौट रही थी। जब दोनों जबरापारा चौक पहुंचे तो उनके पड़ोसी दीपक सिंह ने अपनी कार में लिफ्ट देकर उसे घर छोड़ने की बात कही। उस कार में दीपक सिंह के साथ उसके कुछ दोस्त भी सवार थे। पहले छात्रा ने साथ जाने के लिए मना किया, लेकिन जोर देने पर वह मान गई। आरोपी दीपक सिंह ने उसे घर छोड़ने के बजाय बिरकोना क्षेत्र के सुनसान इलाके में ले गया, जहाँ आरोपी दीपक ने अपने साथियों योगेश वर्मा और राहुल देवंगन और अन्य के साथ मिलकर दुराचार किया। आरोपियों ने किशोरी के साथ मारपीट की और डरा धमकाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद उसने यह बात किसी को नहीं बताने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। घर लौटकर पीड़ित छात्रा ने घटना की जानकारी अपने माता पिता और सहेली को दी। परिजनों के साथ उसकी शिकायत थाने में की। सरकंडा थाना ने पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सरकंडा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि बच्चियां कल्चरल प्रोग्राम देके वापस आ रही थी, रास्ते पे जो परिचित थे उनके कुछ दीपक करके एक आरोपी है, उसने रास्ते पे रोका और कार पे था वो, लिफ्ट देने के बहाने जब उनको बोला कि घर तक छोड़ देता हूँ आपको, बच्चियां बैठ गई लिफ्ट कार पे, उनको घुमाते हुए वो बिरगोना के सुनसान इलाके पर ले गया, जहाँ पर आरोपी ने अन्य अपने साथियों को बुलाया। जब बच्ची बाथरूम गई थी, उसी दौरान एक आरोपी जो है वहाँ गया और दबाव बनाते उसके ऊपर संबंध बनाने की कोशिश की और गलत कार्य किया उसके साथ, और दबाव बनाते हुए बेल्ट से मारा भी, किसी को नहीं बताना है। बच्ची डर गई थी, जब वापस उनको घर छोड़ा गया आरोपी के द्वारा, तो घर पे पहले तो नहीं बताया, अपनी सहेली को बताया, जिसके बाद परिजन आके थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराया। शुरुआत जब पुलिस सूचना में गई तो पहले दिन ही कार और एक आरोपी को पकड़ ली थी, उसके बाद नेक्स्ट डे सभी आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त पे हैं। जब बच्चियों को उठाया गया, मतलब लिफ्ट देने के बहाने, तो वो प्लान तो रहा ही होगा कि लिफ्ट देंगे बिरकोना अगर सुनसान इलाके ले जाना, कुछ प्लान रहा होगा पहले से इनका। छतरपुर में एक नवविवाहिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नवविवाहिता निकिता विश्वकर्मा ने एडिशनल SP को शिकायती पत्र दिया, जिसमें उसने आरोप लगाए हैं कि उसने 25 तारीख को अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज की थी, जिस पर उसके माता पिता ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करा दी थी। इस मामले को लेकर वो और उसके पति प्रिंस भटनागर थाने गए थे। वहां उसके बयान लेने पर TI विनायक शुक्ल के इशारे पर महिला आरक्षक ने उस पर बयान बदलने का दबाव बनाया, लेकिन जब बयान बदलने से इनकार किया तो महिला आरक्षक ने उसे निवस्त्र कर पीटा और उसके पति जेठ के साथ मारपीट कर उन पर हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। मेरी शिकायत ये कि मैंने कोर्ट मैरिज कर ली प्रिंस भटनागर से 25 तारीख को। मेरे माँ बाप ने मुझसे मारपीट करते आ रहे हैं, हमेशा से मारपीट करते आ रहे हैं। 25 तारीख को उन्होंने मुझे मेरे ऊपर केरोसिन का तेल डाल के मुझे जान से मारने की कोशिश की, गला दबाया और मुझे अपने घर से निकाल दिया। बोलते तुम जाओ और
मेरे माता पिता ने दिनेश कुमार कारपेंटर उनका नाम है और SBI ब्रांच में वो NPA मैनेजर है यहाँ पर RBO में। पापा ने जाके रिपोर्ट कर दी सिविल लाइन थाने में, वहाँ पर रिपोर्ट की उन्होंने और बोलते हैं कि कोर्ट मैरिज कर ली तो यहाँ के बयान दो। मेरे पति को, मेरे जेठ को, देवेन भटनागर और प्रिंस भटनागर को कपड़े उतार के मारो। TI ने खुद कपड़े उतरवाए और इतना मारा है और उनके ऊपर झूठा मुकदमा 307 का मुकदमा दायर कर दिया कि उन्होंने गोली चलाई। जो घटनाकर्म हुआ है, प्रिंस भटनागर और निकिता विश्वकर्मा दोनों बालिक युवक युवतियों ने शादी करी है, कोर्ट मैरिज करी थी। पुलिस थाना सिविल लाइन द्वारा उनको बयान देने के लिए थाने में बुलाया गया। सुबह जैसे ही लोग बयान देने के बहाने वहां पर पहुंचे, इनके साथ प्रिंस निकिता, प्रिंस के बड़े भाई देवेंद्र, उनकी माँ, उनकी भाभी के साथ थाना परिसर में बदसलूकी करी गई, मारपीट करी गई और ये बताया गया कि इनके खिलाफ हमने एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जब पूछा तो बताया नहीं गया, बहुत ज़्यादा बताने पर यह बताया कि 307 का एक फर्जी मुकदमा बनाया गया और उनको जेल भेज दिया गया। उनके ऊपर 25-27 आर्म्स एक्ट भी लगा दिया गया। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। जब जो निकिता विश्वकर्मा जिसने शादी करी है उसने अपने बयान भी CSP ऑफिस में दे दिए, न्यायालय में भी उसने अपने लिखित बयान दे रखे हैं, कोर्ट मैरिज का पत्र भी उन्होंने दिखाया था। बावजूद इसके जब कोई यथासंभव सही न्याय नहीं दिया गया तो हम सब कायस समाज के लोगों ने आज पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा कि इस पर न्याय संगत कार्रवाई करी जाए। महिला ने पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला अपने ससुराल वालों के साथ SP ऑफिस पहुंची थी, लेकिन महिला की शिकायत पुलिस वालों के खिलाफ होने की वजह से पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं TI अपने पर लगे आरोपों को गलत बता रहे हैं। महिला के पिता, एक लड़की है, उसके पिता जो चीफ मैनेजर है स्टेटमेंट, उन्होंने रिपोर्ट करी थी उनकी लड़की किसी साथ भाग गई, इसी बात को लेकर उनका विवाद हुआ था, उनके कट्टर एक्सपायरिंग किया गया था, सुसंगत धारा मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था और अपनी तरफ से पुलिस का इसमें कोई दोष नहीं है, उन्हीं का विवाद है। आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ना मारपीट करी ना कुछ करी, कल ही गिरफ्तार किया, कल ही पेश कर दिया गया था। सिंगरौली में तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई। तिरंगा रैली कॉलेज मोड़, मस्जिद तिराहा, अम्बेडकर चौक, कोतवाली थाना से होते हुए ऑटो स्टैंड में समाप्त हुई। इस दौरान किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाकर रखी। तिरंगा रैली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले की पुलिस तैनात रही। थाना प्रभारी अरुण पांडे के नेतृत्व में पुलिस बल मौजूद रहा। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूर्णिमा सिंह, विक्रम सिंह सहित RSS और भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में CA के समर्थन में रैली में मौजूद रहे। लोगों ने इस शांतिपूर्ण रैली का जगह जगह स्वागत किया और इस रैली की सराहना भी की। एकता परिषद युवा आगाज के संस्थापक सदस्यों की आवश्यक बैठक के उपरांत फिल्म प्रोड्यूसर रिया लवलेश रजक की समाज के प्रति सक्रियता को देखते हुए उन्हें सर्वसम्मति से युवा एकता परिषद महिला इकाई का संरक्षक नियुक्त किया गया। रिया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली की प्रभारी बनाई गई, जो सभी प्रदेशों के संगठन मजबूत करने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने हेतु उनके समाज से जोड़ने का कार्य करेंगी। इस दौरान युवा एकता परिषद के युवाओं ने रिया को महिला इकाई का संरक्षक बनाए जाने पर बधाई का कार्यक्रम रखा, जिसमें युवाओं ने युवा एकता परिषद के संस्थापक स्वर्गीय सचिन द्विवेदी को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में आए अतिथिगणों व युवा ने अपने शब्दों के माध्यम से रिया को संरक्षक बनने की बधाई व शुभकामनाएं दी, जिसमें मुख्य रूप से वरिष्ठ समाजसेवी राज बिहारी रजक, युवा एकता परिषद के संरक्षक पंडित सचिन शर्मा के साथ कई बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे पापा जी जो हमारे साथ बैठे हैं, उनकी वजह से, अगर वो एक मेरे को बहू समझ के घर में रखते तो शायद मैं यहाँ पे ना खड़ी होती। उन्होंने मेरे को बेटी जैसा प्यार दिया और अपने बेटे के बराबर मेरे को लाके खड़ा किया। तो सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारा साथ ना देते तो शायद हम ये सब कुछ नहीं कर पाते। एंड उसके बाद मैं अपने पति देव का थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे को हर कदम में, हर एक चीज में मेरा सपोर्ट।
किया। एंड मैं सभी युवा भाई जो मेरे यहाँ पे साथ में हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मेरे को उस लायक समझा और इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे सौंपा। थैंक यू। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन तथा प्रदेश कैबिनेट के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने आज रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में 8वें दीक्षांत समारोह में शिरकत किया। राज्यपाल ने 72 उपाधि धारकों को गोल्ड मेडल प्रदान किया, पीएचडी धारकों को मेडल प्रदान कर डॉक्टर की उपाधि से पुरस्कृत किया। इस बीच विश्वविद्यालय परिसर में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें छात्राओं ने गीतों के माध्यम से मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के टिप्स भी दिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश कैबिनेट के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश को बेहतर शिक्षा युक्त प्रदेश बनाने की कोशिश में सरकार झुकी हुई है तथा हरे भरे कैंपस युक्त महाविद्यालय बनाए जाएंगे। वहीं महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन ने भी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य पर अपनी बात रखी तथा राम मंदिर के मुद्दे को उदाहरण के तौर पर समझाते हुए ध्यान केंद्रित करने की बात कही। राज्यपाल ने कहा जिस प्रकार आर्यभट्ट ने विश्व को जीरो और डेसिमल दिया इसी तरह विद्यार्थियों को एकजुट होकर कामयाबी के लिए प्रयासरत होना चाहिए। बालिकाओं की संख्या कम हो रही, सारे देश को ये चिंता हुई कि अगर ये हाल रही तो कल क्या होगा। उसी समय इस देश में व्यक्ति ने आवाज उठाई जो समाज ने उसको उसी रूप में स्वीकार कर लिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब इससे ज्यादा इसकी सफलता और क्या हो सकती है। 12वीं से पास करते हुए बेटे और बेटियां कॉलेज उच्च शिक्षा लेने में देश में हम निचले स्थान पे आते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारा जीआर रेशियो इस साल सुधरा है और देश के जीआर रेशियो के 5 साल में हम स्केल पे आ जाए, ये हमारे लिए चुनौती। इसमें हमने बेटियों की शिक्षा इस साल से मुफ्त करने का हमारा प्रयास है। हमने एडमिशन बेटियों के मुफ्त किए क्योंकि बेटियों को उस शिक्षा लाना आज जरूर गोल्ड मेडलिस्ट जितनी ज्यादा हमारी बेटियां थी उनके लिए भी तालियां मांगता है ये सदन। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।